गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मिंटू द ब्लॉग एंड रेसिपीज में स्वागत है गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का नया और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और देखते जाइए गाइस मेरा ब्लॉग में क्या क्या इंटरेस्टिंग दिखता है, कमेंट में बताइएगा। तो ठंडा जोरों शोरों से बढ़ चुका है तो आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पर स्टार्ट करती हूँ। फिर चलते ले ली हूँ, इसे मैं अच्छा से साफ कर ली हूँ, धो धा करके चुन ली हूँ, जो येलो पत्ता सब रहता है वो मैं हटा दी हूँ। तो इसको मैं अब थोड़ा सा उबालूंगी। तो यहाँ पर मैं छोटे गिलास में, बिल्कुल भी छोटे गिलास में, 2 गिलास पानी डाल दी हूँ इधर। गाइस पापा काट रहे हैं, अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी। और मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च, लहसुन थोड़ा सा और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा दूंगी, और ये बड़ा वाला इलायची है और दालचीनी है, तो इसको मैं सारा मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी। और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा, बहुत कलर बहुत सुंदर आएगा इसलिए। तो ये अदरक डाल दिए हैं और जो पालक उबाले थे उसी का पानी डालेंगे, उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो इधर ग्राइंड हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल दी हूँ, सरसों का ऑयल। तो इधर मैं हल्का सा पनीर को फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको कड़क नहीं चाहिए, नरम नरम पनीर चाहिए भाई, तो हल्का सा बस फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि पनीर में नमक चल जाए और स्वादिष्ट लगे खाने में, क्योंकि पालक में देंगे तो अंदर तक नहीं जाता है इसीलिए। और थोड़ा सा चीनी डाल दी है गाइस, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, चम्मच के मतलब आधा से भी थोड़ा सा कम। तो देख सकते हैं मेरा पनीर बहुत ही सुंदर फ्राई हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें फिर से तेल डाल दी हूँ, इधर लहसुन को चॉपर कर लिए हैं, अदरक को, और खड़ा मसाला है, मिर्च है, मिर्च को मैं गोल गोल काट ली छोटा छोटा, इधर प्याज भी कट कर लिए हैं, देख सकते हैं कैसे कट किए हैं। इधर मेरा ग्रेवी बनाना स्टार्ट हो गया, इधर हींग डाल दिए हैं गाइस और ये प्याज डाल दिए हैं, तो धमाका हो रहा है देख सकते हैं। और ये लहसुन अदरक का चॉपर किया हुआ, तो मिर्चाई को मैं बाद में डालूंगी क्योंकि पूरा गलना नहीं चाहिए मिर्चाई, थोड़ा थोड़ा लास्ट में देंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा उसका। तो खुशबू तो बहुत सुंदर आ रहा है, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तो बहुत ही सुंदर लगेगा खाने में, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं लिख भी दी हूँ गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोना में लिखा भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेसिपी गलत नहीं होना चाहिए। तो इधर हल्दी भी डाल दिए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर मेरा मुंह से कुछ छूट रहा है। इधर नमक डाल दिए हैं, तो स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा कम देंगे नमक क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। उधर काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा दे दिए हैं, तो खुशबू इतना मज़ेदार आ रहा है गाइज, आप लोग बनाइएगा तब पता चलेगा, घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा पाउडर दूंगी क्योंकि मैं खड़ा मसाला गोटा डाल चुकी हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। आप लोग को वीडियो में समझ ना आए, 5-10 मिनट बाद बस सब डाल करके मैं अच्छा से फ्राई की हूँ ताकि किनारे से ब्लैक ब्लैक ऑयल निकल जाए। तो पानी भी 1 गिलास लास्ट में दे दिया, हम अच्छा से चलाएंगे, फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम पनीर सारा डाल देंगे इसमें। बक्का है, बक्का। दादी आ गई है, अगर ठीक हुआ देखा, दादी आ गई है, अगर ठीक हुआ देखा, पालक तो फाइनली गाइस एकदम बिल्कुल भी रेडी हो गया, और देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है मेरा डिश। तो आज हम लोग डिनर में बनाए हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो देख सकते हैं। और आप लोग को बता दूं गाइस कि मेरा जो कैमरामैन है मेरी छोटू है, मेरी छोटी बेटी। ऑसम गाइस, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताए गाइस, मैं रोटी बना रही हूँ, आप लोग जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और इधर देखिए इसी का क्या कर रही है, देखिए इसी का रोटी दिल बना दी है, दिल है ना इसका, नहीं इधर देखिए इसी का।
सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो बाय गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।